सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन। तो आज हम हैं चंद्रशेखर आज़ाद पार्क में, जो कि प्रयागराज में, जैसा कि आपको पता ही है। इस पार्क को पहले एल्फर्ट पार्क कहा जाता था। जो पार्क है ये काफ़ी पॉपुलर है, पॉपुलर होने के साथ साथ काफ़ी बड़ा भी है। आप यहाँ पे आके अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सकते हैं। यहाँ पे पार्क भी है बच्चों के लिए। इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क क्यों पड़ा, उसके पीछे भी एक स्टोरी है, और उस स्टोरी के पीछे भी एक स्टोरी है। सो लेट्स स्टार्ट बाय द फर्स्ट स्टोरी कि चंद्रशेखर आज़ाद पार्क क्यों पड़ा। सबको तो पता ही है कि जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, वन ऑफ आर ग्रेटेस्ट फ्रीडम फाइटर, उन्होंने अपने आप को गोली मार ली थी जब उनको अंग्रेज़ों ने चारों तरफ से घेर लिया था, काफ़ी ब्रिटिश सोल्जर्स को मारने के बाद। जो उनके पास लास्ट बुलेट बची थी उसको उन्होंने अपने ऊपर शूट कर लिया। अब उसके पीछे भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है। हुआ क्या था, चंद्रशेखर आज़ाद जी हैं और उनके जो और साथी थे, उन्होंने एक प्लान किया था। प्लान था कि एक ट्रेन थी जो सहारनपुर से लखनऊ की तरफ जा रही थी। उस ट्रेन के अंदर काफ़ी वैल्यूएबल थिंग्स थे, एक टाइप का आप कह सकते हो ख़जाना। तो और उस ख़जाने के लिए उस ट्रेन में ऑब्वियस सी बात है कि सोल्जर्स तो होंगे, वो ब्रिटिश सोल्जर्स थे। तो जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, उन्होंने ये प्लान बनाया था कि उस ट्रेन को लूटना है। अब उस ट्रेन को लूट के जो उसमें से ख़जाना निकलेगा, उससे उनको गन्स एंड एम्युनिशन्स खरीदना। तो क्या किया गया कि सहारनपुर और लखनऊ के बीच में एक जगह आती है काकोरी। उस काकोरी जगह पे क्या किया गया कि जो सिग्नल था, सिग्नल यानी कि जो ट्रैफिक लाइट्स होती है रेड येलो ग्रीन टाइप, वैसी सिग्नल उसका चेंज कर दिया गया। ट्रेन जब आके वहाँ पे रुक गई तो चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके जो साथी थे वो सब ट्रेन में चले गए। उन्होंने सारे ब्रिटिश सोल्जर्स को एक एक करके मार दिया, ट्रेन को लूट लिया। फिर जब बाद में ये बात ब्रिटिश ऑफिशियल्स को पता चली, तो फिर उन्होंने क्या किया कि दे स्टार्ट हंटिंग ऑल ऑफ देम वन बाय वन। देन जो चंद्रशेखर आज़ाद जी थे, ही समहाउ मैनेज्ड टू एस्केप फ्रॉम देयर एंड कम ओवर देयर, अलाहाबाद में आ गए थे। और जो एल्फर्ट पार्क है, उस टाइम बाद इसी एल्फर्ट पार्क में चंद्रशेखर आज़ाद जी को घेर लिया गया था। तो चंद्रशेखर आज़ाद जी एक पेड़ के पीछे छुपे हुए थे और उन्होंने उसी पेड़ के पीछे से काफ़ी ब्रिटिश सोल्जर्स को मार दिया। और जो ब्रिटिश सोल्जर्स थे उनकी एक गोली चंद्रशेखर आज़ाद जी को नहीं लग पाई थी, पर जो आखिरी बुलेट बची थी उन्होंने उस बुलेट को चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अपने ऊपर चला लिया। उन्होंने एक बात कही थी कि इंग्लिश मैन डजंट हैव एनी बुलेट टू शूट मी, मतलब अंग्रेज़ों के पास कोई ऐसी गोली नहीं है, बुलेट नहीं है जो मुझे मार सके। तो तब से इस पार्क का नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया। यहाँ पे लोग अब घूमने आते हैं, जब आप एंटर करेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी सी चंद्रशेखर आज़ाद जी की मूर्ति भी है, इसको देख के आपको काफ़ी अच्छा भी लगेगा। इस पार्क की सराउंडिंग भी अच्छी है, यहाँ पे मतलब कोई ज़्यादा हल्ला गुल्ला नहीं है, बहुत ज़्यादा क्राउड नहीं होता, तो आप यहाँ पे आके रिलैक्स हो सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। सो ऑल राउंड दिस पार्क हैज़ अ वेरी नाइस एनवायरनमेंट। लोग काफ़ी ज़्यादा शाम को आते हैं, काफ़ी लोग वॉकिंग करने आते हैं, कुछ लोग टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं, कुछ लोग जॉगिंग के लिए आते हैं। ऑल राउंड एक ऐसा पार्क है जहाँ पे आप फिटनेस भी कर सकते हो, क्वालिटी टाइम भी स्पेंड कर सकते हो, और चिल रिलैक्स भी हो सकते हो। So all around, it's a nice place to hang out. Thank you for watching. Hope you liked the video. If you do, give it a thumbs up and subscribe to my channel for more upcoming interesting videos. Thank you for watching.